मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पार्ट दो, लाख की चूड़ियाँ। इसकी मैंने तीन वीडियो बनाई है। वीडियो एक और वीडियो दो में हमने पेज नंबर 8 तक कर लिया है। पेज नंबर 9 हमारा यहाँ तक हो गया था। आगे हम आज वीडियो नंबर 3 में करेंगे। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला, कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली, भांप लेना मतलब अनुमान लगाना, और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली खांसी मतलब मौसम के अनुसार होने वाली खांसी। यही महीने दो महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। फसली खांसी जो होती है वह इतने लंबे समय तक नहीं चलती, इसलिए बदलू जो था वो दमे का मरीज हो चुका था। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा मतलब पीड़ा। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। ये प्रश्न भी आ सकता है कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, कारण बताओ। इसमें आप लिख सकते हो कि मशीनी युग आने के कारण गांव के लोग जो छोटा मोटा काम करके अपनी आजीविका चलाते थे, उनके काम धंधे बंद हो गए, जिसके कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। इस तरह जब लेखक बदलू से मिलने आता है तो बदलू लगातार उसे खांसी आने लगती है, तो लेखक समझता है शायद बदलू दमे का मरीज हो गया है। तो बदलू कहता है, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने दो महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन फसली खांसी इतने लंबे समय तक नहीं रहती। तो लेखक अंदर ही अंदर सोचता है कि इस मशीनी युग ने तो छोटे मोटे काम करने वालों के हाथ ही काट दिए हैं। उनके हाथों में गुण होने के बावजूद भी वे बेकार की वस्तु बनकर रह गए हैं। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है, बदलू की बेटी का क्या नाम था? तो आप लिखोगे, बदलू की बेटी का नाम रज्जो था। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला। मुखातिब बात करने वाले की ओर मुंह करना, जिसके साथ हम बात कर रहे हैं उसकी तरफ मुंह करके बात करना। माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको? तो इसमें लेखक कहता है कि बदलू लेखक से कहता है कि आम की फसल तो इस साल बहुत अच्छी हुई। वे अंदर अपनी बेटी रज्जो को कहता है कि लेखक के लिए आम लेकर आओ। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गायें तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गायें कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। ये तो बहुत हैं काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 गुने आम एक बखत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया।
अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। इस तरह लेखक बदलू को गाय के बारे में पूछता है कि गाय कैसी है, तो बदलू कहता है कि गाय कहाँ है, अब गाय को मैं कहाँ से खिलाता। फिर वह अपनी बेटी रज्जो को आम के लिए कहता है, रज्जो एक छोटी सी टोकरी में उसके लिए आम लाती है, तो लेखक कहता है ये तो बहुत है। तो बदलू हंसता और कहता है जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 गुना एक वक्त में ही खा जाता था। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। अंजुली होता है हाथों को ऐसे जोड़कर, ऐसे करके हम अंजुली बनाते हैं हाथों की, ऐसे उसमें वो आम लेकर आई थी। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। ठिठक गई मतलब रुक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। फब रही मतलब अच्छी लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। इस तरह आपको एक ये क्वेश्चन आ सकता है कि बदलू ने आखिरी जोड़ा कब बनाया था, किसके लिए बनाया था और वह कितने में बेचा था। आखिरी जोड़ा उसने जमींदार साहब की बेटी के विवाह के लिए बनाया था और उसे उसके 10 आने मिल रहे थे। और एक प्रश्न आपको आ सकता है, बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, कारण बताओ। कि बदलू का कारोबार बंद हो गया था, उसके पास पैसे की कमी होने के बावजूद भी उसने अपनी चूड़ियों को कम कीमत में नहीं बेचने दिया, उसने अपनी चूड़ियों की कीमत कम नहीं होने दी। इस तरह आगे बताया गया है कि जब बदलू अपनी बेटी को कहता है कि लेखक को आम ला कर दो, उसे सिंदूरी वाले आम देना, तो जब रज्जो अपनी अंजुली में लेखक को आम दे रही थी तो लेखक की दृष्टि उसके गोरी गोरी कलाइयों पर ठिठक गई, रुक गई। तो बदलू देखता है, वह उसे कहता है कि ये मैंने आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर, लेकिन वह मुझे 10 आने दे रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें ये जोड़ा नहीं दिया। लेखक को खुशी हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। इस तरह ये लेसन यहाँ ख़त्म होता है। इसके मैंने जो ये शब्द अर्थ लिखे हैं बीच बीच में मुश्किल शब्दों के, ये आपको शब्द अर्थ लर्न करने हैं। जो मैंने रेखांकित की है लाइन्स, वो प्रश्न उत्तर आपको आ सकते हैं, उन प्रश्नों को लर्न करना है, याद करना है। और ये जो इसके प्रश्न उत्तर हैं, ये आपको स्नैप होमवर्क में डाल दिए जाएंगे, इसे आपने उत्तर पुस्तिका में करने हैं। इसके पीछे जो शब्द अर्थ हैं, ये भी आपने बुक से, यहाँ से ही लर्न करने हैं, याद करने हैं। इसी तरह पार्ट 1 का जो मैंने आपको प्रसंग स्नैप होमवर्क में डाला है, वो आपने प्रसंग लर्न करना है। इसके जो मुश्किल शब्द हैं, वो आपने यहाँ से याद करने हैं। पीछे शब्द अर्थ दिए हैं, शब्द अर्थ यहाँ से याद करने हैं। और वर्कबुक पे जैसे जैसे काम आपको स्नैप होमवर्क में डाला जाएगा, वो आपने वहाँ से ही लर्न करने हैं। इस तरह आज ये हमारा पार्ट 2 जो है उसकी वीडियो 3 कंप्लीट हो गई है। धन्यवाद।